হাওয়ার মতো তোমায় দেখে तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज से मेरे इस चैनल पर डेली वीडियो आएगा। तो फिर मैं जिस तरह बंगाली सॉन्ग में न्यू स्टाइल का स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत सिंपल है, आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर मेहनत करना नहीं होगा। मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ सारा कुछ मटेरियल वगैरह, तो आपको खाली ये जो बीट मार्क है वो डाउनलोड करना होगा और स्टेटस बन जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंजी यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो अभी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना, और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है ये खाली एक ही प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना होगा। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना, और इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो इसमें आने के बाद देखो कुछ इस तरह आप लोगों को इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो कुछ इस तरह देखो। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी छिड़खानी नहीं करना, देख सकते हो मैं सारा कुछ यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ, लिरिक्स वगैरह सब कुछ देकर रखा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अलग से ऐड करना नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो फास्ट बीट है फास्ट बीट में आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना और बैकग्राउंड में एक फ़ोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला फ़ोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ, और इसका जो लेयर है ये बीट तक लाना पड़ेगा। देखो 14.10 सेकंड तक ये जो बीट है ये बीट तक लाना पड़ेगा, सॉरी देखो ये बीट तक लाना पड़ेगा, और ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा और सभी लेयर के नीचे रखना होगा यहाँ पर। तो सभी लेयर के नीचे रख देना, और रखने के बाद दोस्तों इसमें एक इफेक्ट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है इसमें आ जाना, और रेड इफेक्ट में आ जाना, ब्लर ऑप्शन में आ जाना, यहाँ पर जो गोसिंग ब्लर जो है को ऐड कर लेना, और यहाँ पर कुछ भी छिड़खानी नहीं करना। तो कुछ इस तरह आप लोगों को यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो कुछ भी छिड़खानी नहीं करना है यहाँ पर। जो देखो ग्रुप है, ये ग्रुप में जैसे मैं फ़ोटो को ऐड करके रखा हूँ ऐसे आपको यहाँ पर फ़ोटो ऐड करना है। तो यहाँ पर फ़ोटो में देखो रिप्रेस कर लेना, तो यहाँ पर जो फ़ोटो है फ़ोटो लेयर को टच करना है, कलर एंड फिल ऑप्शन में जाना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना है, और जिस फोटो पर आप यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये फ़ोटो को देखो मैं ऐड कर लिया हूँ। फ़ोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, और फ़ोटो को ठीक से एडिट कर लेना, और ये ग्रुप से बाहर हो जाना। और ये जो लिरिक्स है देखो लिरिक्स में पहले से ऐड करके रखा हूँ, खाली ये फ़ोन को ऐड करना है एलाइट मोशन में। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन लिंक देखने को मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना, और ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो ये ग्रुप से बाहर हो जाना और देख लेना ये जो ग्रुप है ग्रुप ख़राब हो गया कि सही है। तो देखो ये जो ग्रुप है सही है, तो सेकंड नंबर जो ग्रुप है ये ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, फिर से जैसे मैं देखा वैसे करके फ़ोटो को ऐड कर लेना, देखो ऐसे करके, और एडिट भी कर लेना। उसके बाद ये ग्रुप से बाहर हो जाना, और लिरिक्स कुछ भी छिड़खानी नहीं करना, लिरिक्स में पहले से ऐड करके रखा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर सेकंड नंबर जो ग्रुप है ये ग्रुप देखो ख़राब हो गया, तो इसको ठीक कर लेना। ये ग्रुप लेयर को टच करना, अगला जो बीट है अगला बीट में जाना, जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो फिर से ठीक हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें बिलिंग इफेक्ट है, इसमें आप लोगों को फ़ोटो ऐड करना नहीं है, खाली ये 3 ग्रुप में फ़ोटो ऐड करना है, ग्रुप एंड मार्क्स लेयर में। उसके बाद आगे आ जाना, और यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में भी आपको रिफ्रेश करना है, तो फोटो लेयर को टच करना, कलर एंड फिल ऑप्शन में जाना, और स्टार ऑप्शन को टच कर देना, और जो फोटो यहाँ पर रखना चाहते हो फोटो को ऐड कर लेना, इस तरह करके देखो ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद देखो इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और लिरिक्स भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। और ये जो बंगाली फॉन्ट है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। और देखो इफेक्ट भी मैं देकर रखा हूँ। तो ये जो बीट है ये बीट में आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में जाना, और यहाँ पर 3 इमोजी ऐड कर लेना।
तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला मुझे ऐड कर लिया हूँ। देखो उसके बाद ये जो ऑप्शन है पर टच करना, और यहाँ पर जो कलर ऑप्शन है पर टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन है पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, और 18 PPI ऑप्शन को टच करना। इसका जो साइज है अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे करके बढ़ा सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे देखो यहाँ पर रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ऐड कर लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, लास्ट में जाना, ये ऑप्शन है पर टच कर देना। तो दोस्तों ऐसे करके इमोजी लेयर को ऐड कर लेना, और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करना है, तो उसके लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना, और ये वाला जो देखो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है, ये वाला ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना, देखो ये वाला। तो मैं बहुत बार यूज किया हूँ, अगर आप लोगों के पास है तो डाउनलोड करना, नहीं होगा नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करना। ये वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन कर देना, और एक बार बैक हो जाना। बैक हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, एड इफेक्ट में आ जाना, कलर एंड लाइट ऑप्शन में आ जाना। यहाँ पर जो हॉट कलर है उसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको कलर देखने को मिल जाएगा ब्लैक स्क्रीन में, तो आप लोग अपने हिसाब से ये कलर को रख लेना। और देखो ऐसे करके ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना। ऐड करना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर फास्ट में आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना है, और देखो ये वाला जो पिंज बॉर्डर है, ये वाला पिंज बॉर्डर को ऐड करना है, ये वाला। उसके बाद लास्ट में आना है, ये ऑप्शन है पर टच करना है। तो देखो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग स्टेटस को बन लेना, और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना है, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।